get your hands up. मतलब मटा में कुछ दुकानदार जो है ना उसको जो एक्सपायरी माल जो है चाहे इसका उसको बेच रहे हैं, तो उन्होंने एक दो तीन दुकानदार जो है ना उसको मतलब उस पर छापा मारा और उसके पास जो है ना ये एक्सपायरी माल मतलब उसको बरामद किया। इसके अलावा उसको पता चल गया कि मतलब ये एक्सपायरी माल जो है ना ये सिर्फ होलसेल यहाँ पर नहीं है बल्कि उसका मेन होलसेलर और मेन डीलर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर वो मिंगौरा में है। वो उसको जो इतला था उस दुकानदार ने मतलब उसको बताया कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मिंगौरा में, उसका नाम भी बता दिया, जगह बता दिया। हमने मैं और एस एफ जो ताना वो हमने मिंगौरा में उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर था उसकी दुकान पर छापा मारा, उसकी दुकान से बरामद नहीं हुआ। अलबत्त उसने कहा कि बाद में उसने बताया कि मेरे पास कुछ है जो मैंने मुख्तलिफ रिटेलर से है ना इकट्ठा किया है। तो जब हम इधर आ गए तो न सिर्फ एक्सपायरी माल था बल्कि एक कुर्सी भी किया था कि जून 2019 में जो चाय एक्सपायर हुई थी उस पर दोबारा लेबल बना लगाया था, वो लेबल जो था वो जून 2022 तक था। मतलब एक तो सेल जो टैक्स था वो उसको छुपाया था, दूसरा जो था उसमें जो चाय की एक्सपायरी थी वो भी छुपाई थी, दोबारा स्टेकर लगाया था उसका। तो जब हमने देखा हमने तो सोचा कि एक दो कार्टन होंगे, लेकिन उस पर 25 इस तरह तकरीबन जो है ना कार्टन बरामद हुए। और इसके अलावा जो है ना और भी मेरे ख्याल में दूसरे जो है ना तहसील है वो जो उसके रिटेलर है उसके पास भी ये माल होगा। हम दूसरे जो कोऑर्डिनेट हमारे जो मजिस्ट्रेट है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर वो जो उसके रिटेलर है इस चाय के जो मैनुफेक्चर है उसके रिटेलर को हमने पकड़े और उसको मतलब दही में सारे चाहिए जो उसको दही में ले। थैंक यू जबरदस्त।